जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की, जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब तक आ जाएगा और कब तक आपका जिला आवंटित हो जाएगा, ये सारी जानकारी इसके अंदर देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब देखते हैं वीडियो देखिएगा। राजस्थान आयोग की ओर से अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ 22/9 को, आज ही के डेट अभी। इसके अंदर दिया है कि आपका 1/10 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा है। इसके लिए आपको पता है 2000 से अधिक परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं और पिछली भर्ती की तुलना में 600 परीक्षा सेंटर अधिक है और 2,00,000 विद्यार्थी अधिक है, 900 पदों पर सीटा है। ये सारी आपको जानकारी पहले से पता है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दूसरे चैनल पे बता दिया है और बहुत सारी आपको जानकारी देता रहता हूँ। और अपना इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए सभी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन भी मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर दे देते हैं आपको, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अपन देखिएगा, परीक्षा केंद्र पर किसी भी भर्ती परीक्षा को प्रारंभ 60 मिनट पूर्व आपको प्रातः 10 बजे तक पहुंच जाना है। उसके बाद आपको परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और अपना एडमिट कार्ड और अपना जिला के जो भी सेंटर जिला है वो आपका जो परसों तक बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर आपको जाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और आपको या फिर SSOID पे जाकर आपको लॉगिन कर लेना है। सिटीजन ऐप G2C में जाना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है, उसके अंदर लिंक दे दिया जाएगा। उसके अंदर आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का, रंगीन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरे वाला डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट, एक रंगीन प्रिंट फोटो और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपको साथ में लेकर जानी है, सॉरी आधार कार्ड की मूल प्रति, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो वो आप ID कार्ड साथ में लेकर जरूर जाइएगा, तभी आप परीक्षा कक्ष के अंदर बैठ पाएंगे। चेतावनी इसके अंदर दे रखी है, इसके अंदर आप आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों अवगवा किया जाता है कि परीक्षा संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर, समाज कंटक या अपराधी के बहकावे में ना आए। यदि कोई परीक्षा के पास कराने के लिए रिश्वत मांग रहा है तो अन्य किसी भी प्रलोभन या झांसा देते हैं, प्रमाण सहित इस संबंध में आयोग को सूचित करें कि संबंध में निकटतम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई जाए। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि आपकी भर्तियां जब भी नज़दीक आती है तो उस टाइम पेपर लीक के मामले आ जाते हैं कि मैं 10,00,000 रुपये लूँगा, आपका पेपर सेट करवा दूँगा, पास करवा दूँगा, वर्क करवा दूँगा, तो उसके झांसे में नहीं आना। आपको ऐसी कोई बकवास बातें सुनते हो तो FIR ज़रूर करवाइए उनके ऊपर कि आपको इसने बोला है, इसके लिए आप इसके जानकारी दे सकते हैं। और इस टाइप से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी हम फैक्ट के साथ उपलब्ध करवाते हैं आपको। आशा और उम्मीद करते हैं अच्छे से ये समझ में आया होगा। और वेबसाइट पे किस टाइप से डाउनलोड करना वो भी आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, वीडियो बना कर भेज दूंगा लिंक, और इस चैनल पर भी उपलब्ध करवा दूँगा। सेशन अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।